हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो एचटेट पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है। ये एग्जाम अभी 16 नवंबर को हुआ है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या उनके आंसर है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया था वो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम अभी होना है टीजीटी और पीआरटी वालों का, तो वो देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो अगर उन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो एग्जाम में इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएँ। जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे गए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग सहक्रिया द्वारा गुणा सहक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक संबंधित है। तो यह संबंधित है सामाजिक पक्ष से। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि समस्या समाधान के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें स्टूडेंट्स है उसके अगर उनके फंक्शन फिक्स कर दिए जाए तो वो प्रॉब्लम को ठीक से सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा पुस्तक पढ़ रहा है, वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, यह सही उदाहरण है। तो यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, यूज ए सिंगल गुड स्टैंडर्ड टेस्ट। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, पश्च प्रचलन स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो इसमें विकास प्रभावित होता है वातावरण द्वारा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांति या आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, इसका कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टूडेंट्स हैं वो आलोचनात्मक चिंतन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन था, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियाँ निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव करते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, तदात्म्य संकट का, आइडेंटिटी क्राइसिस। नेक्स्ट, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, बालकों को क्रमवार सहक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और विद्यार्थियों निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वह है। तो वो होता है गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। नेक्स्ट है, बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो ये संकेत है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार का। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितिवाद सिद्धांत से संबंधित है।
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, बंडूरा। नेक्स्ट है, ब्रान फेन ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं, सूक्ष्म तंत्र से, माइक्रो सिस्टम से। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो सकती है परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है, तो इसको कहते हैं आसन्न विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसमें है थर्ड, स्थानिक तर्कना। नेक्स्ट है, पारुल के बुद्धि परीक्षण से उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि का दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है, उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है, पारुल को मुख्यतः है। तो उसमें लिखा हुआ कि ग्रेड जो गणित में है वो तो अच्छे हैं, तो इसका मतलब उसको डिसकैलकुलिया तो हो नहीं सकता, जो डिसग्राफिया होता है वो लेखन से संबंधित है, तो लेखन कौशल भी उसका अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता उसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, सामान्य कक्षा में संवर्धन। नेक्स्ट है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है, किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है, तो ये कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। नेक्स्ट है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से जो फर्स्ट है, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ये सही है, बाकी जो संवेग है जीव की स्थायी अवस्था है, ये स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो वह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये होती है डीप स्टाइल या गहन शैली। नेक्स्ट है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है, तो ये कहलाता है भाषा का व्यवहारिक रूप, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है, वो कहलाती है सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है, तो इसमें से जो सेकंड है वो गलत दिया हुआ है, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है, ये कहलाती है अंतःव्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता है, तो ये होती है साध्यात्मक विचार, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं, तो ये किया है ए टी जरशील्ड ने, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें अशुद्ध है सेकंड, सुधीजन। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो इसमें है फर्स्ट, विसुजमैक, विस्वैक्य। नेक्स्ट है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, वैनाशिक। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ,
नेक्स्ट है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो इसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अवधि में, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें होगा फोर्थ, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये है परोसिया, फर्स्ट में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, अपनापन। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है उत्तम अवस्था का प्रयोग, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। तो इसमें है असंगत कथन है सेकंड। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे और किसको प्रसन्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। नेक्स्ट, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वो है द्रष्टव्य और अंत्येष्टि, ये दोनों ही सही लग रहे हैं, बाकी देखते हैं कौन सा इनमें से सही होगा। नेक्स्ट है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छाटिए। तो इसमें असंगत कथन है फोर्थ, कोयल मैना चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। ये 43 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा अंडरलाइन वर्ड है जो कि एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो इसमें करेक्ट आंसर है थर्ड, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रास लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसका हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी होगी इसमें। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग, तो इसमें हो जाएगा ऑन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे। तो माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे, तो इसमें आ जाएगा लेफ्ट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यू डैश कमांड अपोलोगाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंस, तो इसमें कमांड है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा मस्ट, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है इस सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव है कूल, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में बताना है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, वेरी इजी टू डू। नेक्स्ट 54, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बताना था कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इसमें आएगा एन और दी, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन, तो इसमें से जो नाइस है वो नाउन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा वर्ड इनमें से ठीक है। तो इनमें से ठीक है बिगनिंग, थर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बताना, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जीरूण कौन सा है। तो वो है रीडिंग, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसिव फॉर्म में चेंज करना था। द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता। नेक्स्ट है, इसमें कंपाउंड वर्ड बताना था कौन सा है। तो ये है सेकंड, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, हरियाणा जी के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो वो होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए,
यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो वो होगी 5000। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य में है और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसमें से जो फोर्थ है वो सत्य है, ई बी से बड़ा है। नेक्स्ट है, एक घन की निचली सतह खाली है, ए और बी के बीच में एक्स अंकित है, ए के बाईं ओर वाई है, तो जेड घन की किस फलक पर अंकित है? तो ये होगा ऊपर। नेक्स्ट है, बी और सी का भाई ए है, सी की माँ डी है, ए के पिता ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन होगा? तो इसका असत्य होगा फर्स्ट, ई का पुत्र बी है, क्योंकि इसमें पुत्र है ये जरूरी नहीं है, इसमें पता नहीं चला कि पुत्र है या पुत्री है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहते हैं? तो ये है 11। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो ये जो सीरीज दी हुई है इसमें गलत वो शब्द है वो है 15LS। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल छाटिए। तो इनमें से जो बेमेल है वो है 171, क्योंकि 19 से डिवाइड हो जाता है, बाकी 131, 161, 181 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? वो होगा पी। नेक्स्ट है, यदि प्रॉपर्टी के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य होते हैं? तो वो होंगे 4। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति ए व बी प्रातःकाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, यदि ए की परछाई ए के बाईं ओर पड़ रही है तो बताइए बी का मुख किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण में। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 40%। नेक्स्ट है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु है वो है 40 वर्ष। नेक्स्ट, यदि 6 पैनों के विक्रय मूल्य 8 पैनों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत में है? तो ये इसमें होगा फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आती है -1। नेक्स्ट है, एक बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा? तो वो होगा 7:3। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती ब्याज से कौन सी राशि धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी? वो होगी 625 रुपये। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की दर एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती, यह धन कितना है? तो यह धन है 12,000 रुपये। नेक्स्ट है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई है 375 मीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा जीके से रिलेटेड है, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है वो है हिसार। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित है वो है भिवानी। शनो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शनो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, ये सही है, जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे मुरलीधर, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो केवल एक कथन है ये सत्य है।
क्वेश्चन 87, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? तो ये सोनीपत में नहीं बहती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, ये है पीपल। नेक्स्ट है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? तो वो था किर्गिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो है सिरसा का। ये 1 to 90 क्वेश्चन है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन सही है, बट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।